प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक विशेष लोगो जारी किया गया। जिलाधीश कांगड़ा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश वर्मा ने चुनावों से संबंधित तैयारियों का ब्यौरा लेते हुए कहा कि कांगड़ा घाटी विशेष तौर से पैराग्लाइडिंग के लिए विख्यात है, इसीलिए हमने सांकेतिक तौर पर लोगों से बीपी पैड्स को कैरी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें ये संदेश दिया गया है कि फ्लाई हाई एंड वोट हाई, जिसका अर्थ है कि लोग अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें। वर्मा ने कहा कि लोगों में बीपी पैड्स के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही जिला निर्वाचन आयोग ने कांगड़ी भाषा में ही टैग लाइन तैयार की है, रखना ने मन विच कोई संकोच, पूर्ण जांची सकदे पाई के अपना वोट, जिसका मतलब है कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वास्तव में वह वोट उसी उम्मीदवार को मिला है कि नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता बीपी पैड्स के जरिए एक सुनिश्चित कर पाएगा कि उनका मत सही डला है या नहीं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान 7 सेकंड के लिए मतदाता को ये सुविधा प्रदान होगी और उस दौरान एक पर्ची निकलेगी जिससे ये सुनिश्चित होगा कि मतदाता ने जिस प्रत्याशी को अपना मत दिया है वह उसी को मिला है। उन्होंने कहा कि इससे वे ईवीएम के प्रति फैल रहे दुष्प्रचार पर भी लगाम लगा सकेंगे। चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा अनुसार इस बार मतदान में कई नई चीजों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनावों के दौरान बीपी पैड्स की सुविधा मतदाताओं को प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 मतदान केंद्र महिला द्वारा संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए जिला कांगड़ा में 1553 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जिला कांगड़ा में 12 लाख के करीब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उसके लिए हमने बीपी पैड्स की सुविधा उपलब्ध करवाई है और बीपी पैड्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है तथा चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद ही इसे डेमोंस्ट्रेशन के लिए लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें नए मतदाताओं के मत बनाना वो युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना शामिल है। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों को लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकतंत्र के महापर्व में लोगों को अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। और उसके मद्देनजर जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार हमने चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, निष्पादित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। और उस निर्देशों के अनुसार हमने प्रथम बैठक जो है हमने अपने मीडिया पत्रकार बंधु से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ की है, जिसमें कि हमने उनको इस बात से अवगत करवाया है कि कुछ नई चीजें इस बार प्रथम बार जो हिमाचल में प्रायोगिक स्तर पर इस्तेमाल हो रही है। विशेष तौर पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल पहली बार जो हिमाचल में 100% जो मुख्य चुनाव में हो रहे हैं, इससे पहले हमने जो उपचुनाव हुए थे भोरंज में वहां भी इसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन मुख्य जो चुनाव हुए हैं आम चुनावों में हिमाचल में पहली बार इसका इस्तेमाल होगा। और कांगड़ा में 1553 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें हमारे पास 3 जो है ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन होंगे और एक हमारा स्पेशल ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हमने इस्टेब्लिश किया है। तो इतनी तादाद में हमें मतदान केंद्रों पे वीवीपैट मशीन की आवश्यकता होगी, जिसकी उपलब्धता हमें हो गई है। कल ही रात संयोगवश जो मशीनें हमें प्राप्त हुई हैं रात को, और उसको हमने स्ट्रांग रूम में रख दिया है। और जैसे चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि उसको एक जो है डायरेक्शन चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है, उसके बाद इन मशीनों को जो हम प्रायोगिक स्तर पे डेमोंस्ट्रेशन पॉइंट से बाहर निकालने के लिए जो निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार उसको बाहर निकालेंगे और लोगों को उससे अवगत करवाएंगे और लेइंग ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस जो है लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, हमारा एक विशेष अभियान चला था, पहले स्पेशल असेंबली रिविजन चला था, वहां पर लोगों को हमने जागरूक किया था मतदाताओं से चुनाव का नाम डालने के लिए। उसके बाद जो 15 से लेकर 30 का एक विशेष अभियान और चल रहा है, जिसमें हमारा जो बीएलओ है वो घर घर जाकर मतदाता सूचियों का अद्यतन कर रहा है, लोगों को उससे जोड़ रहा है और जो छूटे मतदाता हैं उनको उसमें पंजीकरण करवा रहा है। मेरा जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होने के नाते लोगों से अनुरोध यह है कि वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं, 100% दर्ज करना सुनिश्चित करवाएं, क्योंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है। जिस प्रकार के हम दूसरे त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे दूसरे प्रकार के व्यवसायिक त्यौहार, उसको मनाते हैं, उसी प्रकार से लोकतंत्र का त्यौहार जो पर्व है उसको मनाने के लिए प्रथम अपने आप को मतदाता सूची में दर्ज करें और उसके उपरांत जब भी मतदान का दिन आएगा उसे ना आप उसमें मतदान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल करें।